दोस्तों, क्या जलपरी होती है? जलपरी का रहस्य क्या है? क्या अब भी जलपरी का अस्तित्व मौजूद है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो कि हमारे दिमाग में आते रहते हैं। जलपरी पर हम पहले भी काफी कुछ लिख चुके हैं, जिनमें हमने विचार किया था कि जलपरी होती है। हाँ, हो सकता है कि अब उसका अस्तित्व मौजूद ना हो, लेकिन हमारे आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे रियल प्रूफ दिखाने वाले हैं जिनसे ये साबित होगा कि वास्तव में जलपरी होती है। यहाँ प्रूफ कई जगहों से मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों का मानना है कि सभी सबूत झूठे होते हैं। पर आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जलपरी के होने और ना होने के इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने और जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के बिल्कुल आखिर तक। दोस्तों, सदियों से ये माना जाता रहा है कि समुद्र के अंदर अनेक ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में मानव सभ्यता अनजान है, और समय समय पर मिलने वाले रहस्यमय जीवों से बात सिद्ध भी हो चुकी है कि समुद्र के अंदर गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। आधे मानव और आधा पशु एक समुद्र से जुड़ा जीव ही माना जाता है, जिसको हम जलपरी के नाम से जानते हैं। अरेबियन नाइट्स के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि एक महिला के चेहरे पर बाल थे और वो उसके हाथ भी थे, लेकिन उसके पैर होने के बजाय एक पूंछ थी। लेकिन हमें लगता है कि जलपरी सच में होती है, पर क्या आपने कभी जलपरियों को सच में देखा? क्योंकि वास्तविक जीवन में हमें, या हम कहें कि हम में से किसी ने भी उनको नहीं देखा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे कई सारे पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र किया गया है, जिससे हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि जलपरी असलियत में होती है। दरअसल हमारी इस कहानी को हम शुरू करते हैं साल 1493 से, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिक रिपब्लिक के करीब समुद्र में यात्रा करते समय तीन जलपरियों को देखने का दावा किया था। कोलंबस ने अपने एक लेख में यह भी लिखा था कि उसकी आंखों के सामने समुद्र में मानव मछली की तरह एक जंतु दिखाई दिया था। वैसे कोलंबस ने जलपरियों का जैसा विश्लेषण अपनी किताब में किया है, उसे हम आज पेंटिंग्स में नहीं देख पाते। कोलंबस की इन्होंने समुद्री विज्ञान के सामने सवाल खड़े किए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने जलपरियां देखी नहीं बल्कि मेंटिस देखी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था, जो आज भी हमारी दुनिया के हर एक कोने में दिख जाता है। मिस्र की प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान जलपरी का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने पढ़ने के गुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। चित्रकला को समझने वाले लोगों का मानना है कि शिकार ही वो कारण था जिसकी वजह से जलपरियां इंसानों से छुपकर रहती थी, जो आज भी जलपरियों के होने के वजूद को सिद्ध करता है। हालांकि पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक जलपरी का कंकाल भी मिला है। इस कंकाल के बारे में दावा किया जा रहा है कि एक जलपरी का कंकाल है। वैसे इस कंकाल को देखने में ये मर्मट का कंकाल ही लग रहा है। इसके पीछे मर्मट की तरह एक पूंछ भी मौजूद है। स्कॉटलैंड में 1830 से एक और कहानी ने दावा किया कि एक युवा लड़के ने उस चट्टानों को फेंक कर एक मत्स्य को मार डाला। प्राणी के बारे में 3 या 4 से एक बच्चे की तरह वो लग रहा था देखने में, लेकिन पैरों के बजाय एक सामने उसकी पूंछ थी। कहा जाता है ग्रामीणों ने इसे एक ताबूत में दफन कर दिया है। हालांकि इस गड़बड़ कहानी का कोई ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। डेनिश नेशनल म्यूजियम के अंदर एक ऐसा कंकाल रखा गया है जो की साबित करता है कि मर्मेट रियल लाइफ में होती है। आपको यहाँ पर मर्मेट का कंकाल मिल जाएगा। कंकाल देखने पर पता चलता है कि मर्मेट के जैसा है। इसकी लंबी पूंछ भी है और हाथ भी हैं। ऐसा कुछ अमेरिका के अंदर समुद्र के अंदर आए तूफान में लोगों को देखने को मिला था, जब समुद्र तट पर एक मरी हुई जलपरी मिली। अनेक लोगों ने उस जलपरी को देखा। देखने में वो जलपरी पूरी तरह से एक महिला जैसी लग रही थी, लेकिन उसके पैर नहीं थे। कई लोगों ने इस जलपरी का वीडियो भी बनाया था, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गया था। हालांकि ये बातें तो थी जलपरी की, जहां लोगों ने इन्हें देखकर इस पर विश्वास किया और कुछ लोगों ने इसे झुठला दिया। लेकिन जलपरी का इतिहास बेहद पुराना रहा है। कई ग्रंथों में इसके बारे में जिक्र भी किया गया है। रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णिक्षा, जिसका आधा शरीर कन्या का और आधा मछली का था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णिक्षा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण खराब हो रहा था और वानर सेना को परेशानी हो रही थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है।
भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी कहानी किस्सों में भी जलपरी जैसे कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियां अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती हैं। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थी। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था और वो नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या उसका भाई जिंदा है। कहते हैं कि नाविक यदि ये जवाब देते थे कि हाँ भाई जिंदा है, वो दुनिया पर राज कर रहा है, तो वो पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी, और कोई दूसरा जवाब देता तो वो समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा देती थी। इन सभी के अलावा विज्ञान जलपरी के बारे में बहुत कुछ कहता है। इससे साबित होता है कि जलपरी तो धरती पर मौजूद थी। 1600 के दशक में एक कहानी के अंदर दावा किया गया था कि एक बार उनकी मुठभेड़ एक जलपरी से हो गई और जलपरी ने उनको घायल कर दिया। उसके बाद वो खुद ही उनका उपचार करने ले गई और बाद में उसने धर्म की शिक्षा ली और बोलना वगैरह भी सीख लिया। इसके अलावा जलपरी देखे जाने की एक और सच्ची घटना का वर्णन इनक्रेडिबल सीक्रेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ द सी में किया गया है। न्यूफाउंडलैंड के तट पर एक समुद्री कप्तान ने अपने 1641 के अंदर जलपरी को देखे जाने का दावा किया। वो कैप्टन जॉन स्मिथ था। अपनी किताब के अंदर उसने वर्णन करते हुए लिखा कि वो एक महिला थी और देखने में काफी सुंदर थी। उसकी आंखें और चेहरा पूरे तरीके से एक इंसान के जैसा था। 1949 के अंदर उन्होंने एक पेंटिंग भी बनाई थी जिसमें उस जलपरी के चेहरे को चित्रित किया गया था। अब तक वैज्ञानिक रिसर्च के अंदर जलपरी होने का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन रिसर्चकर्ताओं का मानना है कि समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि दूर से जलपरी जैसे लग सकते हैं। इन जानवरों के अंदर मैनेंट हो सकते हैं, लेकिन मैनेंट वैसे किसी भी तरह से जलपरी के जैसे नहीं दिखते। यदि कोई उसे दूर से समुद्र के अंदर रात के अंधेरे में देखेगा तो वो जलपरी के जैसा आसानी से दिख जाएगा। और वैसे भी जितने भी दावे किए गए हैं उनका कोई प्रूफ भी मौजूद नहीं है। 2009 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के समुद्र तट पर एक जलपरी को देखा गया था। देखने वाले ने दावा किया कि उसने रेत पर एक महिला को लेटे हुए देखा जो धूप सेक रही थी, लेकिन जैसे ही उसके पास गया उसे देखकर सदमे में आ गया क्योंकि उसके एक पूंछ थी और वो एक आम महिला नहीं थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हमारा इंतजार जरूर कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।